कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिंप्लीफिकेशन में लास्ट क्या पढ़ाया था? अच्छा, रिमाइंडर में पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। बताएंगे, कल पढ़ाया था मैंने। एक क्वेश्चन बताओ, 2 की पावर 5557 शायद पढ़ाया होगा, में 13 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या? जल्दी फटाफट निकाल के बताएंगे। 2 की पावर 5557 में 13 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या होगा? नमस्ते भाई, 2 आएगा इसका। ये रख लो, किसी का फोन आएगा तो देख लेना, इंक्वायरी आएगा था ना, बताएंगे भाई इसके आंसर। मैंने बताया था यहां देखते एक कम कर देना है, यानी 13 देखते एक कम हो जाएगा 12, और 12 से इसके पावर में भाग देंगे, बताए थे 12 चौक 48, यहां पर क्या बचेगा? 7 5 75 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 6 72, यहां पर 3 बचेगा, 37 हो जाएगा, बढ़ती है 36 1, यानी 2 के पावर 1 और 13, तो इसको बोलेंगे 2/13, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई? 2 होगा। रिमाइंडर कितना होगा? 2, ध्यान रखेंगे। ये कल मैंने पढ़ा दिया था, चलिए आगे बढ़ते भाई। हाँ, सेम क्वेश्चन है, अब बदल देता हूं, लिखेंगे 14 × 15 × 16 और 13 रिमाइंडर बताएंगे। 14 15 16 और 13, हाँ इसको ऐसे कर लेंगे, सबसे पहले 13 से 14 एक एक्स्ट्रा है, यहां पर 2 एक्स्ट्रा है, यहां पर 3 एक्स्ट्रा है, बस हो गया, मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 3 दूना बस, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई? ध्यान रखिए भाई, ठीक है, क्वेश्चन लिखते रहेंगे। 14 15 16 17 और 13, अब रिमाइंडर बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। 14 15 16 17 और 13, रिमाइंडर बताओ जल्दी फटाफट। 24 रिमाइंडर थोड़े बचेगा, जब 13 से भाग देना है तो बताओ जल्दी। होगी भी, कितना बच रहा है? 11, यहां से +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, 13 से भाग देंगे, +3 और +4, अब देख लो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6 4 24, 24 / कितना हो जाएगा? 13, तो 13 2 26 ज्यादा हो जाएगा, तो डिफरेंस कर दो, 24 में से 13 ये कितना हुआ? 11, समझ आ गया? ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। 10 11 12 और 13, अब बताना है रिमाइंडर कितना होगा, जल्दी जल्दी। 10 11 12 13 रिमाइंडर बताएंगे, -6 यानी +7, ठीक है जी, ध्यान रखिए भाई। 13 से 10 में भाग देंगे तो -3 होगा, ये -2 होगा और ये -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं हमें, प्लस में 3 2 6 और 3 बार माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है जी, 3 बार माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -6 और 13 कितना हो गया? 13, इस बात को ध्यान रखना भाई, क्लियर। तो रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा? 13 में से 6 गया 7, रिमाइंडर कितना हो गया भाई? 7, क्योंकि ये -6, माइनस से मतलब नहीं, माने इसका 2 हो गया, एक -6 होगा, एक +7 होगा,
तो प्लस वाला ज्यादा वैल्यू में रहता है, इस बात को ध्यान रखिए भाई। तो 13 में से 6 घटा दो तो ये हो गया आपका 7। नौ दस ग्यारह बारह और बटा 13, रिमाइंडर बताएंगे भाई। नौ दस ग्यारह बारह अपन 13, बताएंगे इसका रिमाइंडर क्या होगा। 2 होगा। देखेंगे यहां से 13 से 9 में भाग दोगे तो -4, ये -3, ये -2 और ये -1, देख लो मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखेंगे 4 3 12 12 दोनों कितना हो गया 24, तो ये हो जाएगा 24/13, 24 प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहां पेयर है ना, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, देख लो भाई समझाए नहीं है। यहां पर 4 3 12 2 24 ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, यानी प्लस ही रहेगा 24/13। ठीक है जी, तो रिमाइंडर कितना होगा क्योंकि प्लस में है ही तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 11 होगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा हो जाएगा तो घटा देंगे, 24 में से 13 11। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन होगा 25 के पावर 25 और बटा 26 और पूछेगा रिमाइंडर बताओ। 25 के पावर 25 और बटा 26, ये जब विषम संख्या है और ये संख्या बड़ी है तो मैंने बताया था -1 या 25 कह सकते, क्या कहेंगे, या तो -1 या 25 कहेंगे। अगर इसे सल्वी करना चाहेंगे तो हमने बताया था कि इसे 26 - 1 के पावर 25 कर दो और बटा कितना होगा 26, ये खत्म हो जाएगा। -1 के पावर 25 का मतलब होता है -1, क्या होता है -1, या हमने ये भी पढ़ा था कि 26 - 1 कर दो तब भी क्या होगा 25, तो प्लस वाला ज्यादातर रहता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, अब क्वेश्चन है 25 के पावर 25 + 25 और बटा 26, रिमाइंडर क्या होगा। 25 के पावर 25 + 25 / 26, रिमाइंडर क्या होगा। हां 24 होगा इसका आंसर। ठीक है जी, आ गया, करो जल्दी। इतना टाइम नहीं लगाना है, मैंने कल बताया था इसे डिस्टर्ब क्या होना है। देखो हम लोग के पास है, अगर ये नहीं रहेगा भाई, ये नहीं रहेगा ये, ठीक है ना, तो इसके आंसर क्या होगा -1 होगा कि नहीं, -1 बताओ, ये तो कल पढ़े थे। और -1 और +25 कितना हो गया 24, यही तो होगा भाई, सभी लोग को आ रहा है। ठीक है जी, देखो इसको अगर सल्व करूं कि समझ में आ गया। अरे भाई खाली इसका हम लोग पढ़ेंगे, इसको हटा दो तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, -1 और +25, समझ में आ रहा ना, तो +25 कितना होगा 24 होगा। इसको आप सल्व करना चाहते तो फिर वही बात होगी, कोई दिक्कत नहीं, 26 - 1 ये 25 हो गया। अब +25 और बटा कितना होगा 26, मेरी बात को आराम से समझिएगा। ठीक है जी, अब ये देखेंगे, ये कट जाएगा, -1 के पावर 25 होगा कि नहीं भाई, तो -1 के पावर 25 क्या होगा, -1 होगा कि नहीं होगा। अब +25 क्या होगा 24 नहीं होगा, आ रहा है कि नहीं समझ में, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता देना, सिंपल क्वेश्चन है, करते चलना है सारा आगे, जो दिक्कत हो बता देना।
आगे बढ़ूं बताओ, 67 के पावर 67 प्लस 67 यानी 67 अपॉन 66, आंसर बताओ, रिमाइंडर बताना आपको, जल्दी बताइएगा। दो दो होगा जी, देखिए इसको भूल जाना, मैंने बताया था इसको, ये भूल गए, तो इस दोनों का कंसेप्ट करेंगे तो हम लोग को पता है एक आंसर, एक और 67 68 हो जाएगा, 68 में 66 से भाग दोगे तो क्या होगा, दो होगा। आएगा नहीं समझ मेरी बात को, इस तरीके से 66 प्लस एक लिख दीजिए अगर समझना है तो, ऐसे ठीक है ना, और बट्टा कितना होगा 66, ये इससे कट जाता है तो इसका तो एक हो जाएगा, और एक और 67 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68, ठीक है ना, और 66 से आपको भाग देना है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, समझाएगी नहीं है, इसका डबल तो होगा नहीं, डिफरेंस कर दो 68 में से 66 के 2, बोलो योगिता बताओ कहां दिक्कत है, आ गया दिख रहा है, चलो चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो की पावर 52 और बटन 9, रिमाइंडर बताएंगे, कल बताया था 9 को क्या बनाना होता है 6, बताया था ना 9 का 6 है ना, मैंने बताया था कि ये 9 को कैसे निकालेंगे, तो 9 और 9 किससे बनता है 3×3 से, तो 3 देखते 2/3, 3×3 9 ये 6, ठीक है भाई, तो ये 6 से 52 में भाग दो, बताओ 6×8 48 बचे कितना 4, 2 के पावर 4 कितना होगा 16 और 16/9 रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7, ये होगा 7 हो जाएगा भाई, ऐ 9 का 6 बनाना है, या भाई देखो 6 से 52 में भाग दो कितना होगा 6×8 48 4 बचेगा और 2 के पावर यहां 4 बच जाएगा, 2 के पावर 4 कितना होता है 16, अब 16 में 9 से भाग देना है तो 9×2 18 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9×1 9 बचे कितना 7, तो रिमाइंडर हो गया 7, बताओ हाँ, तबीयत खराब हो गई थी ज्यादा, सारा दवाई एक बार खा ले, देखो अभी आया हूँ एकदम सुख सा के एकदम पूरा कुछ नहीं, 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 नहीं। क्लियर, इसको सल्व करना चाहते तो कर सकते हो, सल्व करके बता छोड़ दो, बता दो, कोई कह रहा बता दो, एक आ गई आवाज, धोखे 2×51 और 2×1 ये हो जाएगा, yes, और बटा 9 क्यों करूंगा, क्योंकि 8 बनाना है इसको, यहां 8 बनाना है तो ये हो जाएगा 2×3 और ये 17 और 2 के, जब ट्रिक है तो इसकी जरूरत नहीं है, जब ट्रिक है तो है ना, अब यहां पर देख लेंगे भाई, अब ये क्या होगा कि 8 है, 8×17 9 है, तो ये इसकी पावर भी विषम संख्या है और ये बड़ी है तो -1 हो जाएगा, तो -1×2 कितना होगा -2, या तो -2 या 9 में से दोगे कितना हुआ 7, जब ट्रिक है तो फिर सल्व की जरूरत नहीं है, पहले ही सल्व सीख लो है ना, चलो आइए, 1001 1002 1003 और 1004 बटे 9, रिमाइंडर बताइए भाई जल्दी फटाफट, ठीक है ना, आज तेजी माई भाई चढ़ चढ़ के एकदम बताएंगे जल्दी, इसका रिमाइंडर बताएंगे, बताइएगा जल्दी, देखिए इसका तरीका मैं आपको सिखाता हूं, वो 9 6 वो करना जो भी करना, ट्रिक सुन लो, कभी भी जैसे मान के चलो कि 2 3 5 6 मैंने लिखा है, ठीक है जी,
तो इसको जब 9 से भाग दोगे, कितना से भाग देना है? 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो यहां 9 से भाग देकर बताइएगा, बताओ कितना बचेगा? बोलो 9 दुना 18 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलो 9 दुना 18 तो कितना बचेगा? 5। और 9 6 54 कितना बचेगा? 1। और 9 1 9 तो कितना बचेगा? 7। ठीक है जी। तो इसका रूल होता है कि 6 3 9, जहां 9 बन जाए वहां काट दो, 0 बन जाएगा। जहां 9 हो जाए तो 0, तो 5 2 डायरेक्ट क्या मिल गया? 7। मेरी बात को समझना। जैसे मैं कहूं 2 3 5 6 7 8 2 5 3 1 इस तरीके से बोल दो और कहा जाए 9 से भाग दो, तो सीधे क्या करना है? पहले 9 बनाओ, देखो 3 2 5 5 और 4 और इकट्ठा करो, ये हो गया 9। हो गया 3 2 5 और 4 9 हो गया। अब यहां पर देखेंगे 7 और 2 कितना हो गया? 9। और बताओ, और 9 करो, नहीं करेंगे। ये 8 5 13 हो गया और 13 5 18 ये भी खत्म हो गया। ठीक है जी। अब बचे कितना? 6। यही रूल होता है। अब पूरा भाग भी दोगे तब भी क्या बचेगा? 6। माने जो भी होगा जहां पर 9 हो वहां पर क्या बना लो? 0। तो शेषफल का तरीका मैं सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखेंगे। ठीक है जी। अब देखेंगे 1 और 1 सीधे मिल गया 2, और यहां देखो 2 और 1 कितना हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया, और 4 1 कितना हो गया? 5। समझाया कि नहीं? इन 9 के लिए। अब देखो 5 चौका 20 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 5 चौका 20 20 60 60 दुना 120 बटा 9। ठीक है ना। अब रिमाइंडर 9 से 11 9 कितना होता है? 99। 13 9 117 होता है, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। अभी भी भाग नहीं देना है, 2 और 1 डायरेक्ट रिमाइंडर क्या हो गया? 3। तो 9 वाले के लिए ध्यान रखना, हमेशा सिंगल कर दोगे डबल को तो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। देखो हमने क्या करा, 1 और 1 2 लिख दिया, और 2 और 1 कितना लिख दिया? 3। और 3 और 1 कितना लिख दिया? और 4 और 1 कितना लिख दिया? 5। मेरी बात को आप समझिएगा। अब क्या करेंगे, 5 चौके 20 60 दुने 120 राइट। तो हमने क्या करा मेरे भाई, 120 कर दिया। अब भाग मत दो, 2 और 1 कितना हो गया? बस हो गया। कौन है, कोई नया है क्या भाई? हेलो। हाँ पुराना है तो मत बात करना। हाँ तू सारा लड़का यार मत करो। नया हो तो मेरे को देना, पुराना तो जबरदस्ती आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। चले आगे बताओ, 19 के पावर 561 जल्दी देखो, 19 के पावर 561 और 29 से भाग देना है। ट्रिक लगाओ, जल्दी उड़ा दो। देखिए भाई हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई? 29 देखते एक कम करो, और 28 दुना 56 उड़ गया, बचे कितना? 1। 19 के पावर 1 मतलब 19, यही तो होगा भाई। तो रिमाइंडर कितना होगा भाई? 19। उड़ा दो। चलिए तीन के पावर 258 17 से भाग। ठीक है भाई, अब निकालो, तुम लोग निकालते रहो, एक एक क्वेश्चन मिलाएंगे। जल्दी जल्दी निकालते रहो। जल्दी जल्दी उड़ा दो।
पानी दे दो और यहाँ एक स्टूल रख दो यहीं पर, पूरा भर के मत देना, आधा। बताइए आ गया सबका आंसर? आ गया भाई, उड़ा दो। इसका आंसर बताओ जल्दी फटाफट, बोलिए पक्का। इसका बोलिएगा 11, इसका बोलिएगा 2, इसका बोलेंगे 9। बोलो भाई, आ गया सभी लोगों को बताओ जल्दी, बोलो या तो ओके या तो मैं बताऊं। तू नहीं आया तो तेरे कहां से, तेरे को मारने का मन कर रहा है? रोज नहीं आएगा तो कहां समझ आएगा? पागल, आता नहीं है रोज, कल कहां गया था? नहीं नहीं गया, क्यों गया ना? नहीं है पेपर है, दिल्ली पुलिस में जाना है कि नहीं जाना है? जब बात हो गई मेरे साथ, फिर मैंने पढ़ाने की बात हो गई है, कुछ और बात नहीं हुई पढ़ाने के लिए जो बात हो गई, मैंने कहा पढ़ा करवा दूंगा, फिर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया था नानी के यहाँ, क्यों गया नहीं? नानी चली गई क्या? कहाँ पे? दिल्ली। अब कल ट्रिक बताया था ना मेरे को, मैंने बताया था ना छुट्टी नहीं करनी है, ध्यान रखना। हम तो कभी छुट्टी ही ना करे। आइए तो बात करते, यहां पर देखो 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 देखो, यह एक कम करना है, 17 का जगह क्या करेगा 16। ये क्या लिखा है? 17 बता दिए तो एहसान कर दिया क्या? 16, 16 से पावर में भाग दो, 16 एक कम 16, यहां पर कितना बचा? 9। 16 6 96 2 होगा, 3 के पार 2 का मतलब क्या होता है? 9। ये 9 लिखा, यहां 13 है एक कम करो, 12, 12 बटे 96 बचे कितना? 7। 2 के पार 7 कितना होता है? 128। और 128 में कितना से भाग देना भाई? 11 से। कितना से देना है? 13 से देना है, 13 से भाग देना है। अब 13 से भाग देंगे तो कितना बार में घटेगा बताओ? 13 9 117 होता भाई, कितना बच जाएगा? 11। देख लो भाई, या 19 से एक कम करो, 18, 18 से 18 कट गया, 2 के पावर 1 का मतलब 2। यहां पर देखो 13 है एक कम करो, 12, 12 2 24 बचे कितना? 2। 3 के पावर 2 कितना होता है? 9। बताओ आगे समझ में? तो इसके आंसर हो गया है ना? चलिए हाँ, ट्रेनिंग पर जाना ही है, सबको जाना है, रोज आओगे तो, है ना? कुछ लोग अब आएंगे जैसे जैसे धूप निकलेगा। हाँ अब तो ना ठंड पड़े ना बारिश होगी, ना बात हो गई है पूरा ओके। अब कह एकदम तैयार होकर पूरा पैक होकर आए एकदम, बस दिन भर बच्चे आते रहेंगे पढ़ाते रहना, नए नए बच्चे अपना। लिख लिया भाई? yes, आदित्य राय कपूर लिख लिया? चलो जब हम लोग का त्योहार चला था एडमिशन का, उस समय पहला एडमिशन यही था त्योहार, जिस दिन खूब एडमिशन उस दिन यही था पहला, तो इसलिए इसको एक नजर में रखता हूं। कह रहा है कि 6 महीने कितना फीस? हमने इतना कह सर तो 1 साल का कर दोगे? हमें दे दो पैसा, 1 साल का करा, 1 साल करा रहे है, बना दिया कहीं, बोल दिया रिकॉर्ड हो गया कहीं, तो 6 महीना करा हो। आइए अब यहां से क्वेश्चन आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से भाग देना, रिमाइंडर बताओ 16 से भाग देना, रिमाइंडर बताओ फटाफट बताएंगे जल्दी जल्दी। देखिए भाई, जब 2 से भाग देना होता है लास्ट के 2 अंक देखते, लास्ट 2, जब 4 लास्ट के 1 अंक, कितना अंक देखेंगे? 1। और जब 4 से भाग देते हैं तो 2, और 8 से भाग देते हैं तो 3, और 16 से भाग देंगे तो 4। देख लो मेरी बात को, आप समझिएगा मेरे कहने के सेंस क्या है। जैसे मान के चलो कि मैं लिख दू 68 और 2 से भाग देना है, तो लास्ट का अंक देखो कट जाएगा तो कट जाएगा। अगर मैं लिख दूं 244, ठीक है भाई, और आपको क्या चीज से भाग देना है? 4 से, तो लास्ट का 2 अंक देखो 4 से कट रहा है तो पूरा कट जाएगा। अगर मैं 2448 लिख दूं और 8 से भाग दूं तो 3 देखा जाता है, 16 के लिए कितना देखना होता है? 4। अब 4 देखो यहां से, यही 4 देखेंगे, ठीक है भाई। अब 14 15 है भाग दो, कितना? टेबल तो पढ़े होगे बुढ़ापा तक, 16 8 128 होता भाई,
बच्चे का 13, 141 में 128 गया तो 13 और 13 5 यानी 135 बन जाएगा, 16 8 128 रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई 7, देख लो भाई रिमाइंडर कितना होगा 7 होगा, बढ़िया से देखेंगे भाई आराम से, ठीक है जी। मैंने क्या करा फिर से समझो, लास्ट का 4 अंक है ना, इसमें आपको कितना से भाग देना भाई 16 से भाग देना, अपने तरीके से भाग दे लेना। जब 16 8 128 होगा भाई तो बचेगा 13 और 13 में 5 सट जाएगा तो बनेगा 135, कितना 135, तो 135 में कितना से भाग देना है भाई बोलो 16 से, तो 16 8 128 होता है भाई कितना होगा 7, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा भाई 7, नोट कर लो भाई। बताओ हो गया तो फटाफट बताते चलो, सीख गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिटा दूं क्या? लो टाइम वेस्ट नहीं, देखो ये 7 देखते हैं कम करना है, देख लो मैं बता देता हूं एकदम स्पीड, क्योंकि जब ट्रिक पता है तो देखो 6 7 42 दो बचेगा बोलो 24 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा, 2 के पर 4 कितना होगा 16, आराम से देखना इजी है। 6 9 54 1, 6 2 12 3, 35, 6 5 36 5 बचेगा 243, आराम से समझो और बटा 7 आराम से, ये भाग देना है कितना से 6 से, 6 9 54 1, 6 2 12 3, ये 35 बन जाएगा, 6 5 36 कितना बचेगा 5, तो 3 के पावर 5 कितना हो गया 243 और 2 के पावर 4 कितना होगा 16, होगा कि नहीं होगा जो मैं लिख रहा हूं, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा बोलो 259 और बट्टा कितना हो गया बताइए रिमाइंडर 0 होगा कि नहीं भाई, आप कहेंगे कैसे, तो 17 के 21 बताइए, यहां पर 21 कट गया 4 बचा और 4 और 9 कितना बन गया 49, 7 7 49 0 हुआ कि नहीं हुआ बताइए, हो गया रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो डरना मना है चाहे कोई कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई क्या क्यों इंक नहीं है तुम्हारे पास, अच्छा पेन निकाल रहे हो, निकाल कर लिख लो, आइए 6 6 6 6 6 6 6 134 बार और 13 से भाग देना है, रिमाइंडर पूछा है उड़ा दो आग, ठीक है भाई लगा दो 6 6 6 कितना बार 134 बार, ये 134 नहीं लिखा है 134 बार लिखा है, मैंने उतना टाइम से, ओके ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते भाई, 3 7 11 13 13 37 39 और भी लिख सकता हूं, गुणा कर दो 77 कर दो, तो 3 7 11 13 37 और 39 से कोई भी संख्या पूरा पूरा कट जाती है अगर उस संख्या का रिपीटेशन कितने बार हो 6 बार हो, अगर उस संख्या का रिपीटेशन 6 बार हो तो संख्या किससे किससे कट जाएगी, ये सर पॉइंट, तो इसमें से कोई पॉइंट उसमें लिखा है 13 लिखा है, सबसे पहले कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो करना क्या है, लास्ट वाली संख्या को पकड़ना है, पकड़ लिए जी, 134 बार लिखा है, क्या लिखा है 134 बार, 134 में पहले 6 से भाग देना हमेशा 6 से, चाहे यहां पर 5 5 हो तब भी कितना से भाग दोगे, क्योंकि 6 बार से जितना पेयर बनेगा, अरे भाई 6 बार में तो 0 बन जाएगा, हर 6 बार के 0 हर, तो 134 देख लो भाई, ठीक है जी, तो क्या होगा 134
डॉक्टर ने बोला हाथ मत लगाना ना, ओके तो बात ये करते हैं। हाँ, तो 134 में 6 से भाग दो, तो 6 × 12 एक, 6 × 12 कितना होगा 2, कितना बचा 2 बचा। अब 2 लिखना है, जोन सी ये जात है, ये 5 की रिपीटेशन है, 1 का है, 3 का है, 7 वही लिखना है। तो 2 बार ये लिख दिए 66, और अब लिखेंगे कितना 13, तो 13×65 रिमाइंडर कितना होगा 1, 13×65 रिमाइंडर कितना होगा 1। मेरी बात को समझ लो, जिनको भी समझ में नहीं आया है कंफ्यूज नहीं होना है। देखो भाई एक बार और देख लो, ये 7 7 7 लिखा है, अब मान लो मैंने लिख दिया, मान क्या लो लिखूंगा 363 बार, और बट्टा कितना से भाग देना है, तो सबसे पहला काम है कि 6 से इसमें भाग दो, कितना से भाग दो, तो 6×36 ये खत्म हो गया 3, किसकी संख्या 3 बार लिखेंगे, 7 की, 7 3 बार, और 11 से ये कट गया 11 77 77, बचे कितना रिमाइंडर, समझ में आ गया। चलो भाई नोट करो, नमस्ते इसके बाद करूंगा, कल गया तो मिला जिस टारगेट में गया है, चलो लेकिन तेरे में बहुत बदलाव आ गया पहले से, कल आराम से रुका था एकदम 8 बजे तक जब तक मैं बैठा था, इसी नहीं है कि तू मेरे लिए रुका है, इसी ये हो रहा है कि समझदारी बढ़ रही है, तो सोचा कि सर की तबीयत खराब है तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, बहुत अच्छा समझदार, कुछ लोग ज़्यादा भी समझदार हैं जो जैसे काम पड़ता है फ़ोन बात करते निकल जाते हैं। एक दे दू क्या इसी में का दे दिया जाए, 6 6 6 6 6 45 बार, जो पहले आंसर बताएगा उसे अभी मिलेगा इनाम यहीं पर एकदम, देखना क्या मिलेगा, ठीक है ना, आशीर्वाद करे जैसे आसान है आशीर्वाद देना। हाँ 45 बार 37 से भाग दो, तू तो याद कर लिया यार पता नहीं, चल जा तू जा जा ट्रेनिंग में जा, सुबह सुबह ट्रेनिंग में जाने के लिए हम परेशान है। हाँ लेकिन अब की बार भेजेंगे, बहुतों को भेजेंगे यार, भर्ती सरकार देखी तभी तो बच्चे ट्रेनिंग में जाएंगे, मेन चीज तो भर्ती। कल तो परसों तो नेशनल चैनल पर चला दिया भर्ती के बारे में भी पुलिस का आज तक पर, आइए 0 आ गया भाई, देखिए सबसे पहले 6 से भाग देंगे, 6 × 7 = 42 3 बचेगा, 3 का मतलब 6 6 6 / 37 ठीक है ना, रिमाइंडर 18 बार में कट रहा है, 8 बार में सुन सुन के भी कहते हो, कुछ लोग सुन के मैनेज करते हैं। हाँ कल एक लड़का कह रहा 2 × 2 = 30 आंसर 0, उधर बैठता कोना में, नाम नहीं लूंगा वो वीडियो देखता है। देखो तो यहां पर क्या होगा भाई बताओ, रिमाइंडर क्या हो गया इसका 0, 37 से 6 से 66 भागदा शायद 18 बार में कटेगा, क्योंकि 18 × 7 = 126 होता है, 6 × 18 = 12 = 66 कटेगा ना, ठीक है ना, कुछ लोग सुन सुन के भी बोल दे कि पेन कौन चलाएगा एक्स्ट्रा क्योंकि थोड़ा काटने में टाइम लग रहा हो, ठीक है जी ये ध्यान रखना। बोलिए टाइप कंप्लीट, चलिए रिमाइंडर बताना है जल्दी बता दीजिए, निकालिए जल्दी, एक कपड़ा लाना भाई उधर से, कोई वैसा रद्दी टाइप का, रद्दी मतलब ऐसे,
लेड़ा आदमी हो, पर ये तो और गंदा है, पकड़ गंदा कर दिया पागल। बताओ इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, ये कट गया 51-2 एक्स्ट्रा है इसके पास, ये कट गया, ये -2 हो गया क्योंकि 17-51 के लिए 2 रुपये चाहिए, ये -2 और ये प्लस का 1, यही तो होगा भाई। बताओ 2 × 4 × 2 कितना हो गया 8, तो 8 इसका रिमाइंडर कितना होगा, यही तो होगा। चलो रिमाइंडर होगा 8, हाँ मेरे से गलती है, सही करी पढ़ना, तो यहां पर होगा रिमाइंडर 9 ना, एंड मैं भी तो बता रहा हूं रोज पढ़ने का एक स्टैंडर्ड होता है कि नहीं होता है, तो ऐसे जी माथा पकड़ेंगे हैं, अरे पागल यहां पर 8/17 है तो कैसे घटाओगे, कहां से आ रही हो, सुबह सुबह बैंक चली गई है? बताओ, अरे उल्टा होगा, भाग देने वाला होगा तब तो कैसे माइनस आएगा, तो बताना ऊपर छोटा है नीचे मोटा है तो लास्ट में लोटा बन जाएगा, समझाएगा नहीं है, तो यहां पर क्या होगा 8। एक होता ना कि सर हमने तो पूछा है कब तक परिवर्तन होनी चाहिए, अब मैं 2 × 35 कहूं तो मजाक में कह दे तो ठीक है, अगर सच के कहूं तो मतलब क्या है, फिर ये छोड़ दो, ये क्या पढ़ा रहे, किस बात के भारत का नंबर वन, किस बात की टैलेंट, एक स्टैंडर्ड भी होनी चाहिए, मैंने थोड़ी सी तो हो गया लेकिन ज्यादा, ये कहते तुम सर -8 तो चलो ये कोई बात नहीं, लेकिन 9 ये नया तरीका इनके, सुनो इनका कहना कि 1/2 और 2/1 एक ही बात है, ठीक है ना। अब ये कहना चाहिए कि 2 में से 1 घटाओ 1, कहानी यही है जो कह रहा हूं सही है, ठीक है ना, ये देखो ये मिटाने के लिए फिर यूज कर लिया, कहां कहां से लाते हैं सब, ये कलुआ का बचपन का कपड़ा है, क्या कलू मम्मी ऐसे ही लपेट देती होगी, बेटा जा 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 बेटा कर लो ऐसे करके, ठीक है जी। हाँ हो गया भाई, चले आगे, संजय ये ऐसे छान रखा है शुभम जैसा लग रहा है कि यहाँ का राष्ट्रपति भवन के हेड है, सबको बताते रहता है, मैं कह रहा बाइक वहां लगाओ, हमें ये रोज कहाँ लगाता हूँ तुम्हारे सिर पे, ठीक है ना, करने में कह रहा हूँ तू क्या कहेगा। कह रहा सब मैं देख लूंगा, जैसे आता है यादव वैसे ही रेस देख लूंगा। चलिए भाई बताएंगे इसका रिमाइंडर बताएंगे, तो इसको प्रेम से सुनेंगे, जो नहीं पढ़े मेरे से अभी सुना रहा हूं। तो इतना इंटेलिजेंट क्यों हो रहे सुबह सुबह, किसी का नजर लगाने की जरूरत है तो बता लगवा दू, इतनी घमंड तो भगवान का ना रहा। नासिरपुर फाटक पर भंडारा देखा और 3 आदमी हम जा रहे हैं तो कह रहा कहा सर खिचड़ी खाओगे, बात ही नहीं, एक तो वहां और दूसरा ललित बैठा था, वो बैठा था मैं बाइक पे, मैं चला रहा बैठा और देव क्या करे, मैंने कहा कुछ बात कर तो मैं चला रहा स्पीड में, मुझे जाना है कहीं, तो कह रहेगा ललित एक दोस्त ने मेरा कहा है, तो कह रहा क्या कहा है, तो कह रहा शास्त्री नगर देखा है, कह रहा हाँ देखा हूं, तो एक जगह है कहीं वहां पर 10 रुपया में पनीर वनीर सब खिलाते हैं और रसोई करके कोई बड़ा आदमी ये खिलाता है, कह रहा कि बड़ा मेरे से भी लंबा, तो कह रहा नहीं वो लंबा नहीं पैसा वाला बड़ा, वो सोच रहा कर सर तो नहीं सुन रहे ना, आज सब मैं लग रहा है कि जैसे मैं वो हूं 65 पार कर गया हूं, तो मतलब मेन पेपर है ना, सच बता रहा हूं, पूछो कह रहा करे कि 10 रुपये में, फिर मैं ऐसा कर रहा सर ये जो नासिरपुर फाटक पर इन्हें घाटा होता है, इनके लिए NGO होता है सब पैसा सा देते, हाँ ये तो डेली सर कब चलता है, सुबह शाम दोनों चलता है, वहां पर एक बोर्ड लगा है लिखा है ठीक है चाय कब सुबह सुबह चाय मिलता है, तो ये कई दिन से कर रहा है कि मम्मी से कहूंगा स्कूटी लेके आने के लिए, उधर सब आना चाह रहा है ठीक है ना, ठीक है जी। करण बताओ 10 रुपये में रसोई है, रसोई वाला खिलाते 10 रुपये में, 2 रोटी ही खिलाते होंगे, 2 ये सोच रहा है कि मतलब पूरा, लेकिन ये ऐसा लड़का ना जैसा ये लड़का इसको भरपेट खिला दे, मतलब कैसे, एक लड़का पहले कोचिंग में यहां पढ़ता था यहीं पर रसोई कोई चलाता था, उसमें क्या होता है कि जाकर थोड़ा चलाओ लादो तो अपना हो जाता है, तो एक कह देगा अपना है ना, कोई बात नहीं, किसी लड़का को लिफ्ट ना दे लेकिन लड़की मांगे तो ये कबीर पर पहुंचा दे मेरठ से भी आगे, ठीक है ना, चाहे कुछ भी, हाँ खुद को मोहन नगर जाना हो तेल का पैसा नहीं हो
सर जी थोड़ा पेटीएम करना, मेरे से कहेगा पेटीएम करना, किस लिए? बहुत इमरजेंसी है, ठीक है ना, लेके छोड़ आएगा कहीं भी, फिर उनको 500 रुपया भी करवा देगा, जाके किसी दुकानदार को पेटीएम पर कैश लेके उनको भी दे आएगा, ठीक है ना। एक मोहल्ला में गया तो कल कह रहे सर यहां सब ठीक है लेकिन बस एक चीज नहीं है, कोई कहीं भी सुंदर लड़की नहीं मिली, एक जगह मिली भी तो अम्मा सी मिली, ठीक है। इसको जो हिसाब है ना बड़ी खतरनाक है, भरोसा ना करे कृपया करके, नकालों से सावधान। आइए तो ये इसे बोलते फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक का मान होता है एक, दो का मान होता है दो गुणे एक बराबर दो, तीन का मान होता है तीन गुणे दो छह हो गया, चार का मान चार गुणे छह चौबीस होगा, पांच का मान पांच गुणे चौबीस एक सौ बीस होगा। और यहां पर समझना, चार पांच क्वेश्चन बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं इसमें एक्स्ट्रा। छह का मान छह गुणे एक सौ बीस तो ये हो जाएगा सात सौ बीस, ध्यान रखिएगा भाई। क्लियर हो गया यहां तक? इतने ही तक काम चलेगा। चलो सात भी लिख दूं, है ना, सात एक और लिखना जरूरी है। सात गुणे कितना? सात सौ बीस क्या होता है बताओ? पांच सौ चालीस, पांच हजार चालीस, ठीक है जी। देखो आप कुछ रूल सीखो। नंबर वन, पहला रूल, पहले इसका जवाब ना दू, पहले सुन लो। जब भी फैक्टोरियल में कोई संख्या होती है तो यहां से आ जाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाओ यहां से आएगी। पहले तो ये देख लो, पहला रूल है कि इसका जितना गुणनफल होगा, मल्टीपल गुणनफल, गुणनफल सब होगा सम संख्या में। ये तो पहला पॉइंट, इवन नंबर। अभी मत करना कि सर जी वन, ये एक छोड़ दो, इधर सारा क्या होगा इवन में होगा। एक तो ये बात है, सबसे पहला पॉइंट, रूल बता दूं ट्रिक। दूसरा, जो फैक्टोरियल चार से आगे की, चार से आगे की सारी संख्या, आराम समझना, सारी संख्या चार से पूरा पूरा कट जाएगी, चार से पूरा पूरा कट जाएगी, कट जाएगी, कर मत जाना, कर जाए, कट जाएगी। यहां पर देखेंगे ये चार से आगे की संख्या चार से पूरा पूरा कट जाती है, राइट, ध्यान रखेंगे भाई। पांच से आगे की सारी संख्या पांच से पूरा पूरा कट जाएगी, पांच से आगे की सारी संख्या पांच से कट जाएगी, पांच से कट जाएगी, कितनी से? क्योंकि पांच से आगे जाओगे सब में जीरो आएगा, आगे सब में क्या आएगा? जीरो। ये सारा रूल बता रहा हूं, राइट, बहुत सारे रूल है। अब नंबर फोर, जब चार से कट रही है, ठीक है भाई, अब चार से कट रही है, चार से आगे की सारी संख्या, अब यहां से जो फैक्टोरियल चार से आगे की सारी संख्या है, चार से तो कटेगी और आठ से भी कट जाएगी, किससे कट जाएगी? आठ से कट जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा क्योंकि पूरा सॉल्व करना असंभव है। देखो आठ तरीके चौबीस, पंद्रह आठ एक सौ बीस, आठ नौ बहत्तर, ये भी नब्बे भर में, आठ से ये देखो आठ छह अड़तालीस, दो आठ, मैंने मेरे को एक्सपीरियंस है सारा, कितने कट जाएगी? आठ से कट जाएगी। तो मेरे कहने का सेंस ये होता है कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखा, आगे तक दिया ना, कितने भी था आगे लिख सकते हो कितना भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखना क्या है कि ये सारी आठ से कट जाएगी, आठ से कट जाएगी, आठ से कट जाएगी, रिमाइंडर बताना है। तो देखिए छह और दो यही तो बचा, अरे तीन और, क्योंकि ये सब तो खत्म हो गया, तीन और दो वाला छह और दो, ये भी आठ खत्म हो गया, तो बचे क्या रिमाइंडर? मेरी बात को अब समझिएगा, पहले मैं समझा दूं उसके बाद, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। अब आठ की जगह कहोगे सर जी हम पांच देते क्योंकि है आगे क्वेश्चन पांच। अब सुनिएगा पांच वाला, सबसे पहले देखेंगे ये तो पूरा कट जाएगा, बोलो, अरे पांच से आगे की तो सारे कट जाएगा, चौबीस और छह कितना हो गया? ये भी खत्म हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि चौबीस और छत्तीस तो दो रे कितना बच जाएगा? तीन। तो पांच वाले के क्या हो गया? तीन। ये क्लियर हो रहा है? कहोगे सर जी छह वाला बता दो थोड़ा, देखिएगा ये देखेंगे ये छह कट गया, अरे ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, गारंटी है ये भी कटेगा, ये भी कटेगा सारा। अब ये सारा कट गया, बच्चा क्या दो और एक, मेरी बात को समझिएगा, समझा रहे कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे सर जी दस से कटाओ, ठीक है ना, जो पूछा जाता है मैं तो सारा लिख दूंगा दस। अब ये पूरा कट जाएगा? बोलिए कट जाएगा। आप चौबीस और छह तीस, ये भी कट गया, बचा क्या दो और, ठीक है जी। आप कहो सर जी थोड़ा बारह देख लो, ज्यादा नहीं देखना है लेकिन फिर भी दिखा दूंगा थोड़ा बहुत, ये बारह। अब बारह देखो, ये कट गया बारह से, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब यहां पर देखेंगे जो होगा, छह और दो कितना हो गया? आठ और एक कितना हो गया? नौ। ये खत्म हो गया, कितना बचा? नौ। क्लियर हो गया? अब आइए एक क्वेश्चन और छूट रहा है जो थोड़ा सा लेवल वाला है, कितना? तो इसका रूल जो मैंने बताया था चार, फैक्टोरियल सात से आगे की सारी संख्या, से आगे की सारी संख्या किससे कट जाती है? सात से। ये मेरे को पता है, को कैसे इसको काट कर देखना, सात से हमने काट लिया है बहुत पहले, दस साल पहले, सात सात उनचास, एक सात दुना चौदह, देखना कट जाएगा। तो बाकी को इधर भाग दे दो। आप कहोगे सर जी कैसे भाग? देखो ये सात एकम सात, सात दुना चौदह तो छह बचेगा, बोलो यहां पर कितना बचेगा? बोलो
देखो सात एकम सात एक बचेगा शायद, ठीक है ना, सत्री के किस यहां पर, और ये देख लो, ठीक है जी। अब देखो ये छ और ये कितना हो गया, और ये कितना होगा, तीन, बोलो, छ सोलह, दो अठारह, एक उन्नीस, सात दो चौदह, पांच। समझ आ गया नहीं आ गया, तो सबका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो फैक्टोरियल की पॉइंट यही है आपको। अब इसमें एक जगह दिया था पांच से भाग देने वाला, इसके जगह पर एक जगह दिया था सात से, एक जगह दिया था चार से, एक जगह दिया था छह से, एक जगह दिया था बारह से, एक जगह दिया था दस से। ये सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, टोटल आप देख लो, टोटल क्वेश्चन मैंने सेम पोजीशन से करवा दिया। तो लिख सकते हो गुणनफल की सारी संख्या सम संख्या होगी, फैक्टोरियल चार से आगे की सारी संख्या चार से कट जाती है, पांच से आगे की संख्या पांच से, सात से आगे की सारी संख्या सात से। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। कल कुछ ज्यादा नहीं घूम रही थी तू, ढूंढ रही थी अपनी मम्मी को, है ज्यादा नहीं है, नीचे ऊपर गेट के पास जाके एकदम जैसा लग रहा है कि मेरी मम्मी आ जाओ, बाप रे कल पूरा देखा एकदम। जैसे ये कौन से जगह पहुँच, विशेष बातों में जाती थी, इनको वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना था, यही जाएंगे तभी होगा। कल इसका पता टेस्ट लेकर भग गई एकदम। उसमें इसमें तुम लोगों का 70 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाएगा, उसमें बस कमी है ना कि ये पेपर है 10 साल पहले के। तो हाँ वो तो तुम्हें पता है, वो तो बात अच्छी है। तो 10 साल पहले का पेपर है, तब 10 साल में करंट अफेयर्स बहुत सारे चेंज हो जाएगा। जब किताब बनती है ना तो उसमें अपने से क्वेश्चन डाल दी जाती है, रूल होता है, कभी भी उसको बस एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो बस बच्चा एक, बल्कि 1991 का दे दो, एक 2019 का दे दो तो कहेगा 19 का है, रूल होता है ना। तब 10 साल पहले के थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का पहले अलग था और अब अलग है, चेंज हो गया है तो बहुत ईजी है। किसको, हाँ लड़का बढ़िया है लेकिन कभी कभी ज्यादा बोल देता है। करेंट अफेयर्स का मतलब था समसमय की, इसका मतलब होता है होने वाली घटना है या होगी, तो पीछे के जितना बीता हुआ तुम 1962 की भी बात कर सकते हो, लेकिन जब अपने शताब्दी से पहले की बात होती है तो वो इतिहास के रूप में बन जाती है। जैसे आप कह दोगे कि 1990 में क्या हुआ, 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, इतिहास बन गया। लेकिन आगे बात कर सकते हो 2026 तक क्या होगा, खेल में चले जाओगे 30-32 तक कह सकते हो खेल, लेकिन 2040 में मोदी जी कहां रहे, ये क्वेश्चन मतलब ज्यादा हो गया, मतलब कहीं दूर दूर तक टिक नहीं पाए, तो ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, नमस्ते, ठीक है जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है, हो गया मिटा दूं। हो गया, लिखेंगे पॉइंट, लिखेंगे आप फैक्टर यानी गुणनखंड बोलते, गुणनखंड फैक्टर, ठीक है। आइए, जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं, पढ़े होंगे कोई ना कोई, जैसे हम बात करते हैं 100, तब ये कौन कौन संख्या से भाग लगेगी 100, जैसे एक से, दो से, चार से, पांच से, ध्यान से देखना, पूरा डीपली पढ़ना, उसके बाद 10, 20, 25, 50 और 100, यही तो होगा भाई। अब ये गिन के बताओ टोटल कितना है, 9 है पक्का, तो इसका आंसर कितना होगा, क्लियर हो गया। तब इसको हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे, कैसे ट्रिक से पढ़ेंगे, देखो ध्यान से,
हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 100 का, बताओ ये कितना बार में जाएगा, फिर 2 से कितना बार में, और ये 5 से कितना बार में, देख लो भाई ये टोटल काट दी। अब हमें क्या करना है, इसकी 2 की संख्या कितनी है, 2, तो 1 बढ़ाकर लिखेंगे। यहां पर 5 की संख्या है 2, तो 1 बढ़ा 2, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका आंसर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो एक और मेरे साथ बता दो, मैं लिख देता हूं जान के 500 का। अब बताओ काट दिया जाए, कितना बार में बताओ, फिर बताओ कितना बार, फिर बताओ, फिर बताओ, क्लियर हो गया, सही लिखा हूं। अब ये इसमें एक बढ़ा देना है, ये 2 की संख्या कितनी है, 2, तो 1 बढ़ा 2। यहां पर कितना है, 5 की संख्या 3 है, तो 1 बढ़ा 2, कितना होगा, तो जितना फैक्टर होगा एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोग निकाल कर दिखा दो 3 क्वेश्चन फटाफट। निकाल कर दिखा दो, ठीक है ना। इसमें इसमें यह कहा गया कि 100 के कुल कितने गुणनखंड होगी, 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, यानी इसको आप ये भी बोल सकते हो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 100, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 100, यानी 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएंगे, निकाल कर बताइए, एक एक बढ़ा देना है। सीमा कभी भी आ जाती हो, टाइम टेबल भी तो पता, या तो देख लो टाइम, कभी भी आओगी तो बस ऐसे ही आते रहोगे। अच्छा अभी 10 से बजे, ओके ओके। सभी लोग आ गए आंसर, चलिए इसका कितना रहा, 24, 15, 12, 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
360 360 दो से ले जाया जाए तो दो से कितना मन में जाएगा, और दो से कितना, दो से फिर तीन से और फिर तीन से, देख लो भाई यही करेंगे ना फैक्टर। अब इसमें देख लो दो की संख्या इसमें तीन तो लेंगे कितना यहां पर, और तीन की संख्या कितने है? दो तो लेंगे कितना तीन, पांच की संख्या कितनी है तो लेंगे कितना एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना आंसर। ठीक कितना हो गया 24 हो गया देख लो। अब 400 वाला भी कर देते हैं, दो से कितना बन में 200, दो से 100 हो गया देख लो भाई। अब दो की संख्या देखो कितना इसमें चार है तो यहां पर लिखेंगे कितना पांच, और पांच की संख्या तो कितना होगा पांच से यही 15।
इसका निकाल दो 220 वाला का, ये कितना होगा 110, दो से और फिर पांच से देख लो भाई। आदित्य समझ में आ रहा है? इसको कितना लिखेंगे, यहां पर दो है तो, और ये कितना है, और यहां पर कितना हो जाएगा 12, एक है तो दो, दो रहेगा तीन, एक बढ़ाएगा, ठीक है। चलो अब इसका सम पूछेगा, योग, योग कैसे निकालेंगे। जैसे बात करते हैं कि कोई संख्या उठाएंगे, जैसे ले लो आप 20, 20 ले लो। अब 20 किससे किससे कटता है पहले बताओ, एक हमेशा रहेगा, दो रहेगा, चार, पांच, दस, बीस, बताओ इससे कटता है इतना से, तो ये कितना संख्या हो गया, छः हो गया। तो हम लोग छः निकालने का शॉर्ट ट्रिक अभी पढ़ लिए कि हम लोग 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 2 से कितना 5, ये हो गया भाई, यही तो पढ़े थे हम लोग अभी जस्ट। तो यहां पर 2 की संख्या 2 है तो एक बढ़ा देना है, और 5 की संख्या 1 है तो एक बढ़ा देना है 2, तो 3 दुना कितना हो गया 6। इसका शॉर्ट ट्रिक पढ़ लिए, ये आ गया, ठीक है जी। कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर बोलेगा तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि कई बार यहां पर पूछा जाता है कि इसका योग बताए, मतलब इसका मेरा कहने का सेंस है कि टोटल को जोड़ कर देखो, टोटल को जोड़ कर देखो कितना हो रहा है, बोलो 20 10 30 35 चार 39 40 41 42, टोटल कितना रहा है 42। अब 42 को भी ट्रिक से कैसे करेंगे, इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं। अब हम लोग इसका सम पढ़ेंगे, योग, तो देखिए कैसे, इसके लिए क्या तरीका है, करना यह है कि दो की संख्या दो है, ओरिजिनली दो है, तो आपको लिखना है दो के पावर जीरो, दो के पावर वन, और दो के पावर क्या लिखना है टू, मेरी बात को आराम से समझना। जैसे पांच की संख्या एक है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो और क्या लिखना है एक, बढ़िया से समझना, जीरो और एक हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। जैसे कहीं लिखा है तीन के पावर तीन और पांच के पावर दो, मान लो तो इसको आप स्टार्ट करोगे तीन के पावर जीरो, वन, टू, थ्री, ऐसे करना पड़ेगा, और इनटू इसको बताओ जीरो वन और क्या हो जाएगा टू, इस तरीके से करना, देखो आराम से समझ लो, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है जी। अब देखेंगे दो के पावर दो होता है चार, ये होता है जीरो, किसी भी संख्या के पावर जीरो वन, हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या के पावर जीरो वन, तो वन प्लस टू प्लस फोर, याद है ना, दो के पावर दो चार होता है, फिर दो और इनटू ये देखो किसी, हाँ किसी भी संख्या के पावर जीरो वन और प्लस कितना हो जाएगा फाइव, तो ये कितना होगा छः और इनटू कितना होगा, तो कितना हो जाएगा बयालीस, यही तो था उसके आंसर। तो इस तरीके से दो तीन क्वेश्चन आप लोग निकाल के बताओ, छोटा छोटा दे रहा हूँ, एक दो तीन, पैंतीस, बयालीस और आपका तीस निकाल कर दिया था, इसका सम निकालना है, योग।
कहाँ है आंसर? 35, 16, 48 है, मैं मन में ही जोड़ लिया, 1, 5, 7, 35, 1, 5, 7, 35। और दूसरा कौन सा है? 42 का, मैं बता रहा हूँ अभी देख के नहीं, रुक जाओ। 42, 21, 63 और 63 और 3, 66 और 7, 73 और 1, 74। ज़्यादा रहे कितना रहे? 73, 84, 87, 87 और 96, 93। क्या अंकित हो गया? बढ़िया। आनंदा तो कर ली हो क्या? आनंदा, आनंदा तो सुपर फास्ट, बिल्कुल ज्यादा मत बोलो। सीमा कर रही हो? समझ में कुछ आ रहा हो ना? ऐसे ही आया करो उस टाइम से, हमें ही सुधार दो, तुम मत सुधरो, मुझे सुधार दो सर, ठीक हो। अभी ये चार जब मैं आऊं तब वो वैसे ही मिल जाए, ऐसा कैसे होगा? विजयनगर से देख लो सीमा, ये भी लोग आते हैं रोज, मेरे से पहले आ जाते हैं, कौन मेरे घर काम होता है बोलो। ये आती है रोज हापुड़ से, पीलखुआ, आलमगीरपुर, मेरठ, तब भी कोई वो नहीं। आइए अब यहां पर देखेंगे ये 35 कैसे निकालेंगे बताएंगे, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा क्या? कैसे? 5 से, यही तो होगा भाई, 5 के पावर 1 और 7 के पावर क्या होगा? तो 5 के पावर 0 और 1 ये लिखेंगे भाई, और गुणे बताइए 7 के पावर 0 और 1, बताओ यही होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा होगा? बोलिए ये हो जाए कितना? किसी भी संख्या के पावर 0 1 होता है, 1 और 5 कितना हो गया? गुणे किसी भी संख्या के पावर 0 1 और 1 और 7 कितना हो गया? 8। बोलो यही तो होगा, बोलो तो यहां कितना से गुणा करे? 8, 8, 6 कितना हो गया? 48। बताओ क्लियर है? सभी लोगों को बताएंगे तू सर बतवा रहा है, समझ में आ जाएगा। चले 42 वाला कितना से काटा जाए? 2 से 21, 3 से 7 यही आ रहा है, इसी को लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से कर सकते हैं, जैसे 2 के पावर 0 1 यही हो गया, और 3 के पावर 0 और 3 के पावर, और ये बताओ 0 और 7 के पावर। ध्यान रखना भाई, क्लियर हो गया भाई? कितना वो बताओ, इसको कितना लिखा जाए, इसको कितना लिखा जाए, इसका कितना लिया बताओ, कितना होगा? 96। क्लियर? अब आ गया होगा 30 का बताइएगा, 30 का 2 से 15 और 3 से कितना 5, देख लो भाई सभी लोग। अब ये कितना होगा? 2 के पावर 0 1 ये तो लिखा जाएगा जी। आइए इसके बाद बताएंगे 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 बताइएगा, और उसके बाद कितना होगा? बोलो यही है क्या? ठीक है जी, इसको क्या लिखना है? 6। इसको, इसको आंसर कितना बताओ, समझाया कि नहीं? ये है आपका,
मिटा दो इसको। लिखो 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 जी। सीमा बताओ, तुम दौड़ लगाती हो, थोड़ा सा दिमाग भी बढ़ा लेती तो रिटर्न भी निकल जाएगा, तो कृपया करके मेरी बात मान लो, टाइम से आ जाओ। आ जाओ कल से, है पक्का? चलो सुनो, तुम 7 बजे निकलो विजयनगर से, 9 बजे तक आ जाओगी प्रताप विहार। वो विजयनगर से बाहर होता है ना? अच्छा, वो विजयनगर में नहीं पड़ता है। तहसील के बारे में मेरे को ही समझाने लगी। और घंटा घर से एक हाईवे बना है ना, चौधरी मोड़ से, वहां से दौड़ते निकल जाओ, रेस मारती है रोज, मेडल मिल जाएगा। ये लड़की रोज आती है लेकिन लेट से, कभी आएगी 11 बजे, कहती है भैंसिया है। अरे तो भैंसिया है तो अपना करके आओ यार। सुबह सुबह फिटनेस करने के लिए सुबह में जाते मत जाना, सीधे दौड़ के वहीं से आ जाओ, इधर से फिर दौड़ के चले जाना, फिटनेस क्लियर। हाँ, मैं तो ऐसे ही करता था। बोलो, आदेश दो, मजबूरी में बोल रही हो गया, चलो ठीक। देखो, हम लोग फैक्टर का सम पढ़ लिए, योग और नंबर पढ़ लिए, राइट? अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इवन फैक्टर, यानी इवन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं सम गुणनखंड। इवन फैक्टर, सम गुणनखंड, इवन फैक्टर पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड की संख्या बताइए, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जैसे मैं आपको एक समझाता हूं, जैसे 100 है, एक बार बार एग्जांपल देता हूं, ये ऊपर लिख देता हूं कि ये हमेशा इसकी पहचान रहे। 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। देखो तो 9 हुआ, 3, 6, 9 हो गया, चलो मान लेते हैं हो गया 9। तो इसमें देखेंगे कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दिए, ठीक है जी? इस बात को ध्यान रखें भाई, यहां पर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने बता दिया, टोटल कितना होगा 9, ठीक है जी? उसके बाद योग भी पढ़ लिया हम लोग, सम पढ़ लिया, राइट? अब पढ़ना हम लोग को इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर देखो इसमें कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ट्रिक से आएंगे, ट्रिक कैसे, तो देखिएगा, ये 100 है तो 2 से कितना बार में 50, 2 से कितना बार में 25, 5 से कितना बार में 5, क्लियर हो गया? अब इसमें क्या करेंगे, 2 की संख्या, 2 यानी इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है, तो 2 जितना होगा उतना ही लिखना है, तो 2 कितना है 2, बाकी सम में एक एक बढ़ाकर ऐड करके, यानी 5 की संख्या कितना है 2, तो यहां क्या लिखेंगे 3, आंसर कितना हो जाएगा 6। यानी इवन फैक्टर में क्या करना है, 2 इवन नंबर होता है तो जितना रहेगा उतना ही लिखना है, 1, 1, 2, 2 है, बाकी सम में एक बढ़ाकर, ये 2 है तो क्या लिखेंगे, बाकी 3 रहता तो क्या लिखते, 4, केवल 2 की संख्या जितना रहेगा उतना है, समझाया कि नहीं है? जैसे मान लीजिए कि मैं 30 की बात करूं, देखिएगा, तो 2 से कितना बार में कटेगा आप लोग बताओ, 15, और 3 से कितना बार में, मेरी बात को अब समझना, समझ गए? अब 2 की संख्या जितना है उतना ही लिखो, 1 बस, 3 की संख्या 1 है तो क्या लिखेंगे 2, और 5 की संख्या 1 है तो क्या लिखेंगे 2, एक बढ़ाकर लिखेंगे, समझाया कि नहीं है? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना होगा, क्लियर हुआ? केवल 2 वाला जो इवन नंबर में 2 ही रहेगा उसमें सेम लिखना है, बाकी सब में एक एक ऐड करके, ठीक है जी? आइए 2 क्वेश्चन निकाल कर दिखा दो, एक लिख दो 400, एक निकाल दो 500, बस बताओ, फाइंड द इवन फैक्टर ऑफ 400 एंड 500, बताएंगे 400 और 500 का इवन फैक्टर बताएंगे। चार सौ का बराबर है,
हो गया। चलिए 400 को तोड़ेंगे 2 से, 200, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, यही तो है बताओ। अब 2 की संख्या कितनी है तो कितना लिखना है, 4 ही लिखना है। बाकी 5 की संख्या कितनी है, 2, तो लिखेंगे कितना, 3, तो चढ़ते ही कितना हो गया, 12। समझा गया, ऐसे ही करना। अब 500 वाला कितने आंसर आ रहा है, 8। 2 से तोड़ेंगे कितना बार में, 250। 2 से कितना, 5 से कितना बार में, 5 से कितना बार में, देख लो भाई, क्लियर। 2 की संख्या 2 है तो कितना लिखना है, 2 ही लिखना है, 2 वाला तो सेम लिखना है ना भाई। और 5 की संख्या कितनी है तो कितना लिखेंगे, तो 2 × 4 कितना हो गया, बताओ समझाएंगे नहीं। यानी 2 की संख्या को सेम और बाकी में एक एक बढ़ाकर, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद इसका पढ़ेंगे ऑड फैक्टर, ऑड मतलब विषम गुणनखंड। इसमें देखो ऑड संख्या कौन कौन सा है, 1, 2 कहां पे है, ये 3 हो गए, यही तो है। चलिए अब देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन पर बता देता हूं पहले, है ना, देखो इसी क्वेश्चन में बता देता हूं। जब ऑड की बात कह रहा है तो ये ऑड का इवन, ये जो 2 लिखा हुआ है इवन नंबर, इसको नहीं लिखना है, बस लिखना ही नहीं है, यानी ये खत्म हो गया पूरा, लिखना ही नहीं है। अब जो बाकी की संख्या में एक एक बढ़ाकर, बाकी में एक एक जोड़ के, अब देखिए यहां पर 2 है तो इसके आंसर डायरेक्ट क्या बोलेंगे, आंसर ऑड में। यहां पर देख लो 2 की संख्या कितनी है, काट दो जितना भी हो काट दो, उससे कोई मतलब नहीं। और 5 की संख्या कितनी है, 1 बढ़ा दो, बस हो गया आंसर। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो इवन में तो 2 की संख्या जितनी होगी उतना ही लिखना है, बाकी में एक एक जोड़कर, और ऑड में 2 की संख्या को लिखना ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। और बाकी में एक एक जोड़कर निकाल के बताओ। निकालो इसका, 3 संख्या लिख दिया जान के, 180, 220 और 450।
हो गया निकाल दी। हो गया कितने आंसर है बताओ, इसका कितना है नेहा बताना, इसका इसका दो आ रहा है, कैसे निकाली हो बताओ। चालीस नहीं होता ना, नब्बे का आधा पैंतालीस होता है, आराम से देख लो। चलिए टाइम हो गया, अब देख लो भाई हम लोग पढ़ रहे ऑड फैक्टर ना, ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड, विषम गुणन, ठीक है जी। आइए अब 180 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा बताओ, दो से, और दो से बताओ, और तीन से कितना, और तीन से कितना, यही होगा कि नहीं होगा बताओ, देख लो ध्यान से, आ गया। अब दो की संख्या को तो लिखना ही नहीं है, तो दो खत्म कर देते हैं। अब तीन की संख्या एक है, कितना है, दो है, तो जब दो है तो इसकी जगह क्या लिखना है, तीन, एक बराबर। पांच की संख्या है तो लिखेंगे कितना, तीन दूना कितना होगा, देखो समझानी चाहिए, दो की संख्या को नहीं लिखना, ऑड में इवन में सेम लिखना है, और बाकी में एक एक बढ़ाकर। अगर नहीं गलत कर रही हो ठीक है ना, हाँ देखो चलो बोला करो, आज बुधवार है ऐसे बोल सकती हूँ। ओके अब देखिए 220, दो से कितना बार में बताओ, 110, फिर दो से कितना, फिर पांच से, हो गया बोलिए यही होगा। अब दो की संख्या को नहीं लिखना है, नहीं लिखना है ना, पांच की संख्या एक है तो कितना लिखेंगे, और ग्यारह की संख्या एक है तो दो, तो दो दुनिया कितना हो गया, चार। समझाया कि नहीं है, यानी ये वाला छोड़ देना है और फैक्टर करना है, दो से तीन से फैक्टर जो करने का रूल होता है, दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह, ये सबसे दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस उनतीस इकतीस, इस तरीके से, ठीक है जी। ध्यान की चले, एक क्वेश्चन और था ना इसमें, साढ़े चार सौ, इसके आंसर कितना रहा है, नौ। कैसे साढ़े चार सौ कैसे तोड़ोगे, दो सौ पच्चीस, फिर हो गया। अब बताइए क्या करेंगे, दो की संख्या एक है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, बोलो किस, क्यों नहीं लिखेंगे, ऑड है, ये खत्म कर दो। तीन की संख्या कितनी है तो कितना लिखेंगे, पांच की संख्या कितनी है, कितने लिखेंगे, तीन तरीका कितना होगा, यही आंसर होगा ना, देख लो भाई। इवन में रहता तो दो को सेम लिखते और बाकी टोटल वाला में तो बराबर आकर लिखेंगे, ऑड में दो लिखेंगे नहीं, क्योंकि दो जो होता है वो सम संख्या होता है, विषम संख्या नहीं होता है, यानी इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, तो ऑड वाले में क्या करेंगे, दो को लिखेंगे ही नहीं और बाकी सम में एक एक बढ़ाकर। तीन की संख्या दो है तो एक बढ़ा दीजिए तो कितना, तीन। पांच की संख्या दो है तो एक बढ़ाकर लिखेंगे, तीन। तीन तरीके कितना हो गया, देख लो ये हो गया। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट पढ़ेंगे इसका प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड।
ठीक है। प्राइम फैक्टर हिंदी में बोलते हैं भाई अभाज्य गुणनखंड, ये हिंदी में। इसका मतलब होता है कि जहां पर अभाज्य संख्या हो उसके पावर को जोड़ देना। जैसे क्वेश्चन है आपको 13 के पावर 2, 7 के पावर 5 और 3 के पावर 8। तो सबसे पहले देखना होता है कि जो बेस है ना, नीचे वाला बेस, ये अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कोई बोलता है, कोई रूढ़ संख्या बोलता है, कोई प्राइम नंबर बोलता है। जो नंबर किसी से ना कटे वो प्राइम नंबर होता है। जैसे हमने यहां पर ऊपर लिख दिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 44, जो किसी से ना कटे। तो बेस में वही होनी चाहिए जो प्राइम होनी चाहिए, प्राइम। इस बात को ध्यान रखें। तो ये एक इजी के लिए मैंने समझा दिया, ये भी प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं कटता 30, ये भी नहीं कटता किसी से भी नहीं कटेगा, अपने आप से तो हर नंबर कटता, ये भी नहीं कटेगा। तो इसके पावर को सीधे सीधे जोड़ देना, मैंने इसमें कुछ बात नहीं बनानी है, पावर जोड़ दीजिए। 2 + 5 + 8 तो कितना हो जाएगा, मेरी बात को समझना। तो इसके आंसर हो गया 15। और जब यही कुछ और रहेगा तो फिर चेंज करेंगे। लिख लो, नोट करो, फिर बताता हूं एक और क्वेश्चन। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, तो नीचे देखना है कि प्राइम है कि नहीं। तो देखिएगा, ये तो प्राइम नंबर है नीचे वाला, ये भी प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो आप देखिए 2 × 5 में तोड़ देंगे, तो 2 के पावर 8 और 5 के पावर 8, 5 के पावर 13 और 11 के पावर 15। आराम से देखेंगे, सबसे पहले 2 के पावर 8 हो गया, 5 के पावर 8, 2 × 5 = 10 हो गया, अब 5 के पावर कितना 13 और 11 के पावर 15। अब नीचे देखेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताओ है प्राइम नंबर, बोलो। क्योंकि हाँ देख लो, ये कोई माने 15 नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरा कहना ये है, अपनी मर्जी से बनाकर करता हूं, 15 के पावर कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया 7, और मैं लिख दिया तुम्हारा कुछ भी लिख दो 10 के पावर 5, मैंने लिख दिया, और फिर यहां लिख दिया तुम्हारा 8 के पावर 3, मैंने लिख दिया। तो इसका कहने का सेंस ये है मेरे भाई कि इसको नीचे प्राइम नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर। अब देखिएगा इसको तोड़ने का तरीका, 3 के पावर 7 और 5 के पावर 7 लिख दिया, 3 × 5 = 15 के पावर 7 हो गया। नीचे प्राइम में होनी चाहिए, मतलब उसको टूट जाए, जहां तक टूट जाए, टूटने के बाद जो बचता वही प्राइम नंबर। जैसे 2 के पावर 5 और 5 के पावर 5 देख लो, 2 × 5 = 10, पावर दोनों के साथ बराबर लगाएंगे, ये बात ध्यान। जैसे 8 है तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, बात वही हो गया, ठीक है जी। या आप ऐसे कर सकते हो, 8 को 2 के पावर 3 बोलते हैं, पहले से 3 लगा है तो एक ही बात हो गया। अब जैसे भी कर लो, जैसे आपका मर्जी। देखो यहां पर ऐसा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है जी। या आप ऐसे कर दो, 8 को 2 × 2 × 2 बोलते हैं और 3 सबके ऊपर लगा दो, तब भी सेम हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। और पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 7, 7, 5, 5, 3, 3, 3, ये जोड़ देंगे, यही इसका आंसर होगा। ध्यान से देख लो, एक मैं एग्जांपल के लिए बता दिया, और यही यहां पर रहेगा 7 के पावर 12, 5 के पावर 13 और 3 के पावर 7, ऐसे कुछ हो गया। तो नीचे तो प्राइम नंबर पहले ही से है, को किसी से कटेगा नहीं, उसे बोलेंगे प्राइम नंबर। अब पावर को जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 13, 12 जो भी होता है, और 7 जोड़ देंगे, राइट। अब देखेंगे यहां पर जो क्वेश्चन है, ये 10 है, अब 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 × 5 = 2, 5 = 10 होता है, पावर बराबर बराबर रखना है। 5 सेम पावर, ठीक है, 11 11, ठीक है। अब पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 8 8 13 15, 8 8 16 13 29 15 44 44, तो इसका आंसर कितना होगा, ठीक है जी, कितना हो गया, 44 हो गया। कल इसका और ऊपर वाला पढ़ेंगे क्वेश्चन, लेवल वाला,